सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है पिरामल फार्मा का। नतीजे काफी शानदार है, शायद यही कारण है कि कंपनी के शेयर में 9% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। अब नए निवेशक इसमें निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो बस उनके लिए है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कंपनी के जो सेंटिमेंट्स लेकर बन रहे हैं मार्केट में वो काफी पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी लें तो कोई गलती नहीं होगी आपसे। खैर, अब निवेशकों के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये दवा निर्माता कंपनी है, जैसा कि आप सबको पता है। इसके प्रोडक्ट्स रेंज काफ़ी वाइड है, बहुत ज़्यादा दवाई बनाती है ये कंपनी। बेबी केयर प्रोडक्ट्स से लेकर ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स तक बनाती है। वोमेन इंटीमेट रेंज भी है इसके, साथ में हेल्थ वेलनेस के भी प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी की अगर मार्केट कैप पे चर्चा करें तो 13,824 करोड़ मार्केट कैप है और 1,627 करोड़ के कंपनी के ऊपर कर्जे भी हैं। पहले थोड़े से डेटा को देख लेते हैं परसेंटेज वाइज, और काफ़ी सुलभता से समझने के लिए इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे रियल नंबर्स में, जहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में कि कंपनी के अंदर में एक्चुअल में ग्रोथ कितनी हो रही है। लॉन्ग टर्म के लिए यही देखना होता है कि कंपनी के भीतर एक्चुअल ग्रोथ कितनी हो रही है, ऑपरेशनल इनकम कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इसके सेल्स ग्रोथ रेट पे नज़र डालें, जो कि परसेंटेज वाइज ही है तो 3% है। प्रॉफिट ग्रोथ रेट नेगेटिव में चल रही है। आरओई जो है वो 1.34% है और आरओसीई जो है वो 3.64% है, जो कि काफ़ी कम है। अब इसको रियल नंबर्स में तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए, 3 एनालिस्ट आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसमें निवेश करो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी के जैसे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप इसके अगर कॉम्पिटिटर को देखें तो वैल्यूएशन में इससे बढ़िया वैल्यूएशन पर बैठी हुई है इसकी कॉम्पिटिटर्स। खैर, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके जो इनकम स्टेटमेंट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं नंबर्स में, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो शानदार क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं, रेवेन्यू में भी काफ़ी इजाफा हुआ है और इनकम भी इस बार काफ़ी पॉजिटिव में रही है हमारी पिरामल फार्मा के। अब देखें तो आप पाएंगे 5 करोड़ का इनकम आया है कंपनी के पास। बैलेंस शीट पर नज़र डालें, जहाँ कि हम एसेट्स को देखते हैं कि कंपनी के पास संपत्ति की क्या स्थिति है, तो कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़े जा रही है, जो कि बताता है कि कंपनी की मैनेजमेंट बढ़िया काम कर रही है। साथ में कंपनी की लाइबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है, यानी कि कंपनी के ऊपर दायित्व भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कैश फ्लो की कमी है कंपनी के पास। कंपनी में अगर कैश फ्लो की कमी होगी तो कंपनी एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, और साथ में कंपनी के ऊपर कर्जा भी है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कर्जा पता नहीं क्या हाल करे कंपनी का, दिवालिया तक घोषित करा देती है। बहुत सारी कंपनियां दिवालिया हो गई इसी कर्ज के चक्कर, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। और निवेश करना है तो आपको इस सेक्टर के और कंपनियों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। सिर्फ किसी एक कंपनी पे उसके फंडामेंटल्स को देख के आप निवेश नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उसके फंडामेंटल्स अच्छे हों लेकिन वो कंपनी मार्केट में स्ट्रगल कर रही हो, तो दिक्कत ये आती है कि मार्केट में वही कंपनियां ज़्यादातर टिकती हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, मार्केट में वेल एस्टैब्लिश्ड हों। बाकी स्ट्रगल करने वाली कंपनियां स्ट्रगल करते करते खत्म हो जाती हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो मार्केट में बहुत दिन तक सर्वाइव करे। तो जो इसकी कॉम्पिटिटर है वो सन फार्मा है, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, जो कि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है फिलहाल। इसके अलावा इसमें अगर कॉम्पिटिटर के अलावा जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न है वो भी काफ़ी दिलचस्प है पिरामल फार्मा के। 35% तक के शेयर होल्डिंग्स हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में बढ़े हैं। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 4% की शेयर होल्डिंग्स है, 5.5% की शेयर होल्डिंग्स है कंपनी के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी 32% की शेयर होल्डिंग्स लेके बैठी हुई है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी 24% की शेयर होल्डिंग्स है। तो ऐसे में जो शेयर होल्डिंग्स बटी हुई है वो काफ़ी शानदार है, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को नहीं मिलेंगे शेयर प्राइस के भीतर। क्वार्टर रिजल्ट आया है, सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, सेंटीमेंट्स को देख के आप स्विंग ट्रेड लीजिए। फंडामेंटल उतने बढ़िया नहीं है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप इसके कॉम्पिटिटर को देखिए, वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आपको कहीं भी निवेश करना है किसी भी कंपनी में, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विचार जरूर करके ही कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।